और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो जाओ भागो मजे लो, नहीं चाहिए जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किस तरीके से कार्य देश में कर रही है वो चेहरा दुनिया भर में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है तमाम तस्वीरें सामने आती है, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भड़काऊ बयान ऐसा आ जाता है जिससे नफरत फैलाने वाले लोगों को आसानी हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि उनके आका या उनके अब्बा उन्हें बचा ले जाएंगे। पर लगातार ये देखा जा रहा है कि देश में और विदेशों में और खासतौर पर पड़ोसी मुल्क लगातार आरएसएस के लिए अपने सुर को बुलंद कर रहे हैं। कल ऐसा ही हुआ जब देश में राहुल गांधी द्वारा एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ करके जा सकते हैं, उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान सामने आने के बाद उसके अगले दिन बयान आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का, जहां खुले तौर पर आरएसएस की तमाम नीतियों को दुनिया भर में उजागर करने का काम जो है इमरान खान द्वारा किया जा रहा है। और जब इमरान खान द्वारा ये काम किया गया और देश में राहुल गांधी द्वारा ये काम किया गया तो पूरी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बौखला उठी है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो सपोर्टर हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो नफरती मीडिया है, वो भी खुल करके राहुल गांधी और इमरान खान के तार जोड़ने पर लगा हुआ है और ये बताने लगा है कि देखिए कि राहुल गांधी का पाकिस्तानी प्रेम और इमरान खान का राहुल गांधी प्रेम, ये तमाम तस्वीरें जो हैं मीडिया में साझा की जा रही हैं, जिसकी एक जीती जागती तस्वीर आप जी न्यूज की देख रहे हैं, जहां वो खुल करके लिख रहा है कि आरएसएस से राहुल गांधी और इमरान खान को देखकर, तो तमाम तस्वीरें जो हैं सामने रखने की कोशिश की जा रही हैं। इमरान खान के बयान ने इतना हड़कंप मचा दिया है कि तमाम प्रतिक्रिया जो है आना शुरू हो गई है। तो वहीं इंद्रेश कुमार का भी बयान इमरान खान को लेकर के आया है, क्या कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के देश और विदेश में चल रहा है इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 80 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से खुद प्रधानमंत्री इमरान खान, पूरे राजनीतिक अमले के साथ इमरान की यहाँ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात काफी तल्खियां भरी रही। अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद का आरोप लगाया, साथ ही अफगानिस्तान में अशांति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ गनी ने आरोपों का जवाब अपनी तकरीर में पॉइंट टू पॉइंट दिया। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान व पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से हाथ नहीं मिलाया बल्कि अन्य देशों के प्रतिनिधियों से खुलकर मिले। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान ने भारत के विदेश मंत्री को जानबूझ करके इग्नोर किया। वहीं भारतीय मीडिया के एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि भारत में दोनों देशों के बीच आरएसएस रुकावट बना हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने विदेश मंत्री को इग्नोर किया। तो यही बातें जो है जो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा कही जा रही है, भारतीय मीडिया भी यही कह रहा है कि विदेश मंत्री ने देखिए इमरान खान को दिखा दी उनकी औकात। अब असल मानने में ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जहां कैमरे का फोकस जो है इमरान खान ने भारतीय विदेश मंत्री से हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, पर एक खबर बन गई दोनों देशों में दरार पैदा करने के लिए। तो भारतीय मीडिया भी जी भर के जहर पाकिस्तान के लिए उगल रहा है, तो पाकिस्तान का मीडिया भी कम नहीं है, वो भी जी भर के जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इमरान खान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरएसएस का नाम लेकर हमला करते रहे हैं।
साथ ही आरएसएस का इतिहास बयां करते रहे हैं। इससे विश्व में आरएसएस की छवि एक खतरनाक संगठन की बन चुकी है। कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इमरान खान ने जो भाषण दिया था उसमें आरएसएस की कार्यप्रणाली को हिटलर की नाजी पार्टी जैसा बताया था। उस समय के बाद से आरएसएस को लेकर विश्व में एक मत बना हुआ है। ये संगठन चरमपंथ में भरोसा करता है और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देता है। ये तमाम बातें जो हैं सामने आई और उसके बाद जो है जबरदस्त रिएक्शन हिंदूवादी संगठन जो खासतौर पर नफरत फैला रहे हैं उन लोगों को बैन करने की मांग समय समय पर विदेशों से होती रही है जो लगातार देश में एक खतरनाक मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी पर खामोश कहा आरएसएस भी रहने वाला था। इसी पर इंद्रेश कुमार ने पलटवार करते हुए इमरान खान को जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पलटवार किया है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इमरान खान अपने आतंकी संबंधों पर पर्दा डालने के लिए आरएसएस को दोष दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों ने हिंदुस्तान में जहर घोलकर विभाजन कराया और फिर 1971 में पाकिस्तान भी टूट गया। शुक्रवार को ताशकंद में इमरान खान से अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़ावा देने पर सवाल पूछा गया था। हालांकि इमरान इसका जवाब टाल गए और इसके बजाय उन्होंने भारत में रुकी हुई बातचीत के पीछे आरएसएस विचारधारा को दोषी ठहराया था। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हुक्मरान अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छिपाने के लिए आरएसएस को कोसने का काम करने लग गए हैं। पाकिस्तानी मानसिकता के हुक्मरानों ने 1947 से पहले हिंदुस्तान में जहर घोलकर हिंदुस्तान का विभाजन किया था। इंद्रेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लोग इससे गुजरे, 12 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई, बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई। उन्हीं की तालिबानी और आतंकी मानसिकता के कारण सिंध, बलूच, पख्तून आज भी खून की नदियों के अंदर तैर रहे हैं। ताशकंद में जब इमरान खान से पूछा गया कि क्या बातचीत और आतंक एक साथ चल सकते हैं, इस पर इमरान ने जवाब दिया, मैं भारत से कह सकता हूँ कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हम सभ्य पड़ोसियों की तरह रहें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आरएसएस की विचारधारा आगे आ गई है। लगातार जो है इमरान खान आरएसएस की जो नीतियां हैं उसे दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं और यूएन में जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया खासतौर पर बतौर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा, उसका चेहरा भी लगातार दुनिया ने देखा। और इमरान खान को किस तरीके से पलटवार का सामना आरएसएस से करना पड़ रहा है ये भी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। पर इससे एक बात साफ हो चुकी है कि आरएसएस की नीतियां जो देश में नफरत फैला रही हैं वो देश की नाक कटाने का काम कर रही हैं, जो लगातार तस्वीरें हर एक जगह से सामने आती रहती हैं। और आज ही अमेरिका द्वारा जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन सब का देश में जिम्मेदार कौन है जिसमें भारत की छवि को बिगाड़ने का लगातार काम किया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।